कथला का विधानसभा चुनाव और चुनाव में यूं तो कई प्रत्याशी हैं, लेकिन इस बार जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों पर निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं गांव मोहना में मौजूद हूं, यहां पर पंचायती उम्मीदवार दीपक डागर के समर्थन में आप देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं यहाँ पर हैं। और दीपक जी, मैं लगातार देख रही हूँ कि गांव की सरदारियाँ, आप जिन भी गांव में जाते हैं, एक पगड़ी पहनाते हैं, और ये स्वागत नहीं, बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे अगर जनता ने विश्वास जताया आप पर वोट देकर? ये 36 बरादरी ने जो आशीर्वाद महापंचायत में दिया था, उन्होंने इसलिए ही दिया था कि उस 36 बरादरी के बेटे के कंधे मजबूत हैं और उनके मान और सम्मान को उस उठाने का उस 36 बरादरी के बेटे में दम है। और आप देख रहे हो मेरे बड़े बुजुर्ग भी हैं और टोटली के टोटली सारे युवा मेरे साथ हैं। जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चल बैठता है। यही हाल पृथला विधानसभा का है। 5 तारीख को 9वें नंबर का बटन होगा और छक्के मारने का युवा काम करेगा। एक एक भाई मेरा 6 छक्के मारेगा, 9 बॉल आएगी उस पे भी छक्के मारने का। दीपक जी, आप अपने संबोधनों में ये भी कहते हैं कि पृथला की चौधर लोगों की जेब में होगी, आप नहीं विधायक बनेंगे, जनता विधायक बनेगी। लेकिन कई बार देखा है जब जनसेवक बनकर विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद नेता बन जाते हैं, तो कैसे आपकी बात का विश्वास करे पृथला की जनता? ये मेरी 36 बरादरी का समाज है और जो प्यार 36 बरादरी को मेरे दिया है, मैं आपके माध्यम से पूरी पृथला विधानसभा की 36 बरादरी को, अपने बुजुर्गों को, युवा साथियों को, माता बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके विश्वास को मैं टूट नहीं दूंगा और आपके विश्वास पे मैं 100% खरा उतरूंगा। जैसे महापंचायत हुई, अगर 36 बरादरी ने आशीर्वाद दे रखा है तो 100% सेवक भी बनेंगे और सेवक बनने के बाद महापंचायत दोबारे होगी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग निर्णय लेंगे उस बस में बैठ के चंडीगढ़ जाने का हम काम करेंगे। अपने मन से हम कुछ नहीं करेंगे। दीपक जी, आप इससे पहले, आप चुनाव लड़ने से पहले पृथला के मतदाता भी रहे हैं, आपने जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं रघुवीर तेवतिया का भी कार्यकाल देखा है, आपने टेकचंद शर्मा का भी कार्यकाल देखा है, बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो क्यों लगता है कि दीपक डागर को इतना समर्थन स्नेह उन बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से भी ज्यादा क्यों मिल रहा है और क्यों दीपक डागर को लोग चुने उन्हें छोड़कर? जब मेरा नाम ही ऊपरले वाले ने दीपक रखा है तो दीपक जलता है और उजाला करता है। इसीलिए 36 बरादरी को मेरे को प्रेम दिखाया है। जो गंदगी 15 साल से हमारे समाज में है, वो राजनीति करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। ये बेटा सेवा करेगा, राजनीति नहीं करेगा, ये 100% सच है और ये मैंने दिखाया भी है 36 बरादरी के समाज में। अपने मंदिरों पे जाके, मस्जिदों पे जाके, जो हमारे बड़ों ने कहा उनका कहा माना, जो हमारे युवा ने कहा उनका भी कहा माना, और जो असली ताकत है मेरे में, जो जोश है, वो युवाओं का है और युवा मेरे साथ रहते रहते एक नई तस्वीर लिखने के लिए तैयार हैं। पृथला को गांव आदर्श नहीं बनते हैं, ये हम वचन देते हैं। अपनी मोहना गांव बस्ती में, बहुत बड़ी बस्ती है, आदर्श पृथला विधानसभा बना के ही हम दम लेंगे। इसमें सारा योगदान युवाओं का होगा और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा। एक सवाल मेरा और, जब हम अलग अलग गांव में जाते हैं तो वहां आपके नाम की जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि दीपक डागर ने लाइट लगवाई, अंधेरा रहता था, दीपक डागर ने सफाई करवाई। यानी ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से दीपक डागर ने लोगों के मन में जगह बनाई। क्या लगता है आपको कि इसके सहारे और भी जो आप काम कर रहे हैं, कोरोना काल से आप लगातार काम कर रहे हैं, कि जनता वोट भी भर भर कर देगी जिस तरह से भर भर कर आपने लोगों के काम किए? ऐसा है बहन जी, आपने बोला कि भाई लाइटों के सहारे या और अन्य काम के सहारे, मैं आपको काम गिनाऊंगा ना तो सरकार फीकी पड़ जाएगी जी। मोहना बस्ती में अभी पीछे फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, इनके बेटे ना यहाँ लंगर भी लगाया था, अपनी बहन बेटों के लिए कपड़े भी बांटे थे, बच्चों के लिए और भाइयों के लिए, और सारा सामान पहुंचाया था। दो कामों के लिए बड़ा गुणगान मिलता है आपके नाम का भाई। ये दो काम ऐसे, खासकर महिलाएं जो बड़ी खुश होती है कि दीपक ने तो जो हमारी गलियों में उजाला कर दिया। भाई देखो, नाम ही दीपक तो उजाला करने का काम करेगा ना। और माताओं बहना का मेरे पे अथाह प्रेम है और बहने सबसे सच्ची
श्रद्धा रखती हैं अपने भाई के प्रति, और माँ तो सदा सदैव अपने बच्चे के लिए कैसा ही हो श्रद्धा रखती है, ऐसा ही मेरी माता बहने मेरे पे विश्वास करती हैं और मेरे को चंडीगढ़ पहुंचाने में उनका अहम रोल होगा। जी क्या अपील करना चाहेंगे, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर रैली भी कर रहे हैं और 5 अक्टूबर को मतदान भी है। आपके माध्यम से मैं पूरी छत्तीस बरादरी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। 2 तारीख को शहीद भगत सिंह पार्क में गांव जाजरों में सुबह 9:30 बजे आह्वान करेंगे युवा, वहां पे पूरा पृथला विधानसभा वहां पे इकट्ठा होगा और आप देखना रिजल्ट 2 तारीख को ही 100% आ जाएगा। तो देखिए दीपक डागर निर्दलीय प्रत्याशी पिछला विधानसभा हमारे साथ मौजूद थे, और अगर बैठ पर मोहर लगाई जनता ने 5 अक्टूबर को तो फिर पृथला को आदर्श विधानसभा बनाएंगे ऐसा दावा किया। आप देखना दिलचस्प होगा कि पृथला की जनता दीपक डागर को अपने वोटों से कैसे सिरमाते बिठाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।